आप सभी को नमस्कार। एक अनुरोध के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में घटित सभी प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। साथ ही माता उभय भारती और मंडन मिश्र के साथ हुए उनके शस्त्रार्थ को भी एक समुचित रूपरेखा के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही एक अग्रिम क्षमा भी चाहता हूं कि यदि आपको शास्त्रार्थ की जगह शस्त्रार्थ सुनाई दे तो इसके लिए मेरे उच्चारण दोष को माफ कीजिएगा। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि आचार्य शंकर का जन्म वर्तमान के केरल के मालाबार क्षेत्र में स्थित कालड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। आचार्य शंकर के माता पिता ने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान रुद्र की घोर तपस्या की। एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि कैसा पुत्र चाहते हो, दीर्घायु गुणहीन पुत्र अथवा अल्पायु असाधारण गुणी पुत्र। आचार्य शंकर के माता पिता ने आयु की जगह गुणों को प्राथमिकता दी और अल्पायु किंतु गुणी पुत्र मांगा। तब भगवान शंकर की कृपा से इनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। भगवान शंकर की आराधना करने के फल स्वरूप ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए माता पिता ने नाम रखा शंकर। 3 वर्ष की अल्पायु में ही शंकर के पिता का देहांत हो गया और फिर माता ने ही पालन पोषण किया। बालक शंकर की मेधा इतनी असाधारण थी कि केवल 6 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब वे 7 वर्ष के थे तो एक बार भिक्षा मांगने के लिए एक दरिद्र बुढ़िया की कुटिया में जा पहुंचे। उस बुढ़िया के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसने अपने घर में पड़े हुए आंवले के एक फल को बालक के हाथों में रख दिया और कहा कि भिक्षा के नाम पर उसके पास देने के लिए बस यही है। बुढ़िया की गरीबी को देखकर उस 7 वर्ष के बालक का हृदय द्रवित हो उठा और उस बालक ने तुरंत ही लक्ष्मी स्त्रोत्र की रचना की। उस स्त्रोत्र से माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उस बालक के कहने पर बुढ़िया को धन्य धान्य से भरपूर कर दिया। 8 वर्ष की आयु में बालक शंकर ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु संन्यास ग्रहण करने के बीच में इनकी माता एक अवरोध की तरह थीं। वे कभी नहीं चाहती थीं कि जिस पुत्र को उन्होंने इतनी प्रार्थना के बाद प्राप्त किया है और जिसे पिता के निधन के बाद इतने जतन से पाला और पोसा है, वो सन्यासी हो जाए। इससे शंकर धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि वे माता की अवज्ञा भी नहीं करना चाहते थे और सांसारिक बंधनों में बंधकर भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि इसी के लिए भगवान ने एक बड़ी ही सुंदर सी लीला रची। एक बार बालक शंकर अपने माता के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। माता किनारे पर बैठी कपड़े धो रही थीं और बालक शंकर नदी की बीच धारा में किलोल कर रहे थे। तभी बालक शंकर के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने अंतिम समय में बालक शंकर ने चिल्लाते हुए कहा कि माँ, मुझे अब तो संन्यास की अनुमति दे दो, मेरा अंत समय आने वाला है, मैं कुछ क्षण सन्यासी के रूप में जी लूं। माता के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने बालक को सन्यास लेने की अनुमति दे दी। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस मगरमच्छ ने बालक के पैर को छोड़ दिया, लेकिन तब तक आचार्य शंकर को सन्यास की अनुमति मिल चुकी थी। अपनी माता से बिछड़ने से पूर्व उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि माता, तुम दुखी ना हो, तुम्हारी कृपा छाया तो मेरे ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे निर्वाण से पूर्व मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा और अपने पुत्र धर्म के सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा। तत्पश्चात उन्होंने आचार्य गोविंदनाथ से संन्यास की दीक्षा ली और शंकराचार्य कहलाए। सन्यासी होते हुए भी आदि शंकराचार्य ने अपना यह वचन निभाया और अपनी माता की मृत्यु के समय वे उनके पास वापस लौटे और एक पुत्र के होने के सभी दायित्व निभाए। ऐसा कहा गया है कि जब अपनी माता के मृत्यु के बाद भावुक हो शंकराचार्य उन्हें अग्नि देने के लिए आगे बढ़े तो उनके शिष्यों और अन्य विद्वानों ने संन्यास के परंपरागत नियम की दुहाई देकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि अपनी माता को मुखाग्नि देना धर्म के विपरीत नहीं है, किंतु आप सभी की इच्छा है, इसी कारण आपकी सम्मति मिलने तक मैं अपनी माता को मुखाग्नि नहीं दूंगा। उनकी इस बात से वहां उपस्थित ब्राह्मण समाज और उनके शिष्यों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने पूछा कि हे आचार्य, जब आपने पुनः माता के पास लौटकर एक बार संन्यास का नियम भंग कर ही दिया है, तो फिर उन्हें मुखाग्नि देने के लिए समाज की सम्मति क्यों चाहते हैं? तब शंकराचार्य ने कहा
हे सज्जनों, अभी मैं संन्यास के नियमों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए अपनी माता को मुखाग्नि नहीं दे पा रहा हूँ। किंतु जब मैंने अपनी माता को वचन दिया था, उस समय मैं सन्यासी नहीं था, और इसलिए अपने वचन के पालन हेतु मैं अपनी माता के पास लौटा। उनका यह उत्तर सुनकर सभी धन्य धन्य कहने लगे और उन्हें अपनी माता को मुखाग्नि देने की अनुमति प्रदान कर दी। एक बार काशी में वे अपने शिष्यों के सहित कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक चंडाल लेटा हुआ मिला। उनके शिष्यों ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंडाल टस से मस नहीं हुआ। तब आदि शंकराचार्य स्वयं आगे आए और कहा कि मैं पवित्र ब्राह्मण हूं और तुम अपवित्र चंडाल हो, तुम्हें मार्ग छोड़कर हट जाना चाहिए। इस पर चंडाल ने कहा, किसे हटाऊं, शरीर को या आत्मा को, आकार को या निराकार को, सीम को अथवा असीम को? यह सुनकर शंकराचार्य आश्चर्य में पड़ गए। उनकी विद्वता को देखकर उन्होंने उस चंडाल को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण होकर चंडाल की गुरुता स्वीकार करना उनकी आंतरिक शुद्धि को दर्शाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि चंडाल का रूप धरकर स्वयं भगवान शंकर उन्हें ज्ञान देने आए थे। जब वे युवा हुए तो उनके ज्ञान का प्रकाश पूरे आर्यावर्त में फैल गया। ब्रह्मसूत्रों की जैसी गहन और गूढ़ व्याख्या आदि शंकराचार्य ने की, वैसी किसी और ने नहीं की। इसके अतिरिक्त इन्होंने सभी उपनिषदों पर गहन शोध किया और उन पर अलग अलग भाष्य लिखे। इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग में मनु, त्रेता में दत्तात्रेय, द्वापर में वेदव्यास और कलयुग में आदि शंकराचार्य का ज्ञान के प्रसार में जो योगदान है, वैसा किसी और का नहीं है। आदि शंकराचार्य ने केवल 12 वर्ष की आयु तक 240 से अधिक ग्रंथों की रचना कर ली थी। इन्होंने ही श्री शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र की रचना की। इनका एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। इसी ग्रंथ का एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, वाक्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म सत्य है, जीवन मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। उनका यह सूत्र अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख सूत्र है। मिथ्या जगत की बात करने के बाद भी आदि शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों, 51 शक्तिपीठों और 4 विष्णु धामों की एक ऐसी महान यात्रा की जो पूरे आर्यावर्त को एक सूत्र में पिरोने वाली थी। भारत जो सदा से विविधताओं से भरा हुआ था, उसके अंदर ऐसी यात्रा करके आदि गुरु शंकराचार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के अंदर विविधताओं के रहते हुए भी एकता और अखंडता का स्रोत बहा करता है। अपने गुरु से योग की शिक्षा और 3 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद आदि शंकराचार्य ने उनकी आज्ञा लेकर काशी की यात्रा की। यहां पर उन्होंने असंख्य विद्वानों को बात ही बात में परास्त कर दिया। किंतु उनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ का वर्णन आता है, वो बिहार के मंडन मिश्र और उससे भी कठिन प्रतियोगिता मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के साथ आता है। जब उत्तर भारत के सभी बड़े विद्वान शंकराचार्य के हाथों परास्त हुए, तो उन्होंने उन्हें चुनौती दी कि वे मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिखाएं। तब आदि शंकराचार्य बिहार के महिषि अथवा माहिष्मति नामक स्थान पर पहुंचे, जहां मंडन मिश्र अपनी पत्नी उभय भारती के साथ रहते थे। मंडन मिश्र देश के प्रख्यात विद्वान थे और आज तक कोई उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया था। गांव में पहुंचकर आचार्य शंकर ने गांव वालों से मंडन मिश्र के विषय में पूछा। तब लोगों ने बताया कि आप इसी रास्ते आगे बढ़ते रहें, आपको स्वयं ही उनके घर का पता चल जाएगा। तब शंकराचार्य घूमते हुए एक ऐसे घर पहुंचे जहां पशु पक्षी भी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। उसे देखकर शंकराचार्य आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि यही मंडन मिश्र का घर है। जब आचार्य शंकर वहां पहुंचे तो मंडन मिश्र और उभय भारती ने उनकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, जिसे मंडन मिश्र ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया। शर्त यह तय हुआ कि यदि आचार्य शंकर विजेता होते हैं तो मंडन मिश्र उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे और गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे, तथा यदि मंडन मिश्र विजेता होते हैं तो आचार्य शंकर को उनका शिष्य बनना पड़ेगा। दोनों ने शर्त स्वीकार कर लिया और शास्त्रार्थ का समय भी तय हो गया। पर एक दुविधा थी कि 2 महापंडितों के मध्य हो रहे इस विवाद का निर्णयकर्ता कौन हो। तब शंकराचार्य ने ही कहा कि आप अपनी पत्नी को निर्णय करने दीजिए, वे सही सही बताएंगी कि कौन विजयी हुआ।
उनकी ये बात सबने मान ली। फिर एक शुभ तिथि को अनेक विद्वानों के बीच भारती ने निर्णायिका का पद ग्रहण किया। उन्होंने दोनों विद्वानों के गले में एक एक पुष्पमालाएं पहना दी और कहा कि जिसके भी तर्क में दोष होगा, जिसका भी ज्ञान मलिन होगा, अथवा शास्त्रार्थ के दौरान जिसका भी अपने भावों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, उसके गले में पड़ी यह पुष्पों की माला कुम्हला जाएगी और वह हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। इस पुष्प वाली कथा का निहितार्थ यह है कि वहां शास्त्रार्थ को देखने सुनने के लिए अनेक लोग उपस्थित थे और वे सभी पुष्पमाला को अर्थात बाह्य स्वरूप को देख सकते थे। पुष्पमाला से निर्णय यानी ऐसा निर्णय जिस पर सबको भरोसा हो और कोई उभय भारती को अपने पति का पक्षपाती न कहे। कहीं कहीं इस कथा का जिक्र ऐसे भी आता है कि उभय भारती ने वह माला अंतिम दिन पहनाई थी और उसी दिन निर्णय हो गया था। इसके बाद आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। आज से पहले किसी भी विद्वान को परास्त करने में शंकराचार्य को अधिक समय नहीं लगा था, किंतु मंडन मिश्र अद्वितीय थे। दोनों का शास्त्रार्थ करते हुए 3 महीने और 16 दिन का समय बीत गया, किंतु कोई निर्णय नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि आचार्य शंकर भगवान शंकर के ही अवतार थे और वही मंडन मिश्र को ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, साथ ही उभय भारती को सरस्वती देवी का अवतार माना जाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आचार्य शंकर के मत का मार्ग ज्ञान मार्ग है, जो योगियों के लिए ही सरल है, और आदि योगी हैं भगवान शिव, इसलिए आचार्य शंकर को भगवान शंकर का अवतार माना गया। वही मंडन मिश्र जिस वाद को लेकर के शास्त्रार्थ में उतरे थे वह लोकमत या कर्मकांड था। कर्मकांड का उदय लोक से होता है, लोक सृष्टि से आता है और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। और वहीं जो इतने बड़े महापंडितों के विवाद का निर्णय दे उसे माँ सरस्वती के अवतार के अलावा और क्या कहा जा सकता है। जब शास्त्रार्थ करते हुए 3 महीने और 16 दिन बीत गए तो एक दिन मंडन मिश्र के गले में पड़ी हुई माला कुम्हला गई, क्योंकि तर्क के दौरान उन्हें क्रोध आ गया था। उसी क्षण उभय भारती ने अपने पति को हारा हुआ घोषित किया। उन्होंने कहा कि आपकी माला कुम्हला गई है, आपके भावों पर नियंत्रण नहीं रहा, आपके तर्क समाप्त हो गए हैं और इसलिए आप हार जाते हैं। तब तक मंडन मिश्र ने भी आचार्य शंकर के प्रभाव को जान लिया था। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, अब मैंने आपको जान लिया है। आप संसार के कारणभूत हैं, समस्त विशेषों से रहित हैं। ज्ञान मात्र स्वरूप होते हुए भी आपने अज्ञानियों के उद्धार के लिए ही यह शरीर धारण किया है। वस्तुतः आप शरीर से रहित हैं। हे आचार्य, कर्म रूपी यंत्र पर चढ़कर मैं तप, शास्त्र, घर, स्त्री, पुरुष, भृत्य तथा धन आदि में अभिमान रखकर संसार रूप कूप में गिरा हुआ था। उससे आपने मेरा उद्धार कर लिया। पूर्व जन्मों में अर्जित अनंत पुण्यों के प्रभाव से मैंने आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है तथा आपसे शास्त्रार्थ किया है, अन्यथा यह सब कैसे हो सकता था। अब मैं अपने पुत्र, स्त्री, घर, धन, गृहस्थाश्रम, कर्तव्य, कर्म, इन सब को छोड़कर आपके चरण की शरण में आता हूं। कृपया मुझे तत्व का उपदेश कीजिए, मैं आपका सेवक हूं। इस प्रकार जब बुद्धिमान मंडन मिश्र जी ने विनीत तथा मधुर शब्दों से आचार्य श्री शंकर का वर्णन किया, तब जितेंद्रिय श्री शंकर ने मंडन पर दया दृष्टि करते हुए उनकी स्त्री की ओर देखा। आचार्य के आशय को समझकर उभय भारती बोली, हे यतीन्द्र, मैं आपके अभिप्राय को समझती हूं। मैंने इस भावी घटना को अपने बचपन में ही एक तपस्वी के द्वारा जान लिया था। एक समय मैं अपनी माता के पास बैठी हुई थी, तब एक कांतिमान तपस्वी वहां पर आए। माता ने उनका आतिथ्य सत्कार कर लेने पर उनसे पूछा कि हे त्रिकालदर्शी महात्मन, मैं इस पुत्री के भाग्य के विषय में कुछ पूछना चाहती हूँ। इसकी आयु कितनी होगी, कितने पुत्रों तथा कैसे पति को यह प्राप्त करेगी, धन धान्य संपन्न होकर यह कितने यज्ञ करेगी। तब क्षण भर आंखें मूंद कर उन तपस्वी ने कहा, हे देवी, भूतल पर वैदिक मार्ग के उच्छिन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मदेव वेद मार्ग के उद्धार के लिए मंडन मिश्र के रूप में अवतरित होंगे। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शंकर जी को, लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम्हारी कन्या भी अपने अनुरूप मंडन को पति रूप में पाकर समस्त यज्ञों को संपन्न करते हुए अपने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक प्रसन्न रहेगी। फिर इस लोक में दुष्ट मतों द्वारा नष्ट हुए उपनिषद सिद्धांत को स्थिर करने के लिए
स्वयं आदिदेव महादेव नर रूप लेकर अपने चरणों से इस भूतल को अलंकृत करेंगे। उस यति वेशधारी शंकर के साथ तुम्हारी कन्या के पति का शास्त्रार्थ होगा, जिसमें इसका पति परास्त होकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संसार को शरण देने वाले आचार्य शंकर की शरण में चला जाएगा। इतना कहकर वे तपस्वी तो चले गए। हे विद्वन, वे सभी वचन उनके आज सत्य हुए हैं तो यह वचन कैसे मिथ्या होगा? परंतु हे आचार्य, अब तक आपने पंडितों में श्रेष्ठ मेरे पति को पूरी तरह से नहीं जीता है, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और आपने अभी तक मुझे नहीं जीता है। इसलिए मुझे जीतकर आप इन्हें अपना शिष्य बनाइए। हे महात्मन, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। सरस्वती स्वरूपा मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के इस विलक्षण शास्त्रार्थ के प्रस्ताव को सुनकर आचार्य शंकर विस्मित हो गए। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह तुम्हारा वचन अनुचित है, क्योंकि यशस्वी पुरुष महिला के साथ वाद विवाद नहीं करते। इस पर उभय भारती ने प्रतिवाद किया कि हे भगवान, यदि आपके मत का खंडन करने के लिए कोई चेष्टा करता हो तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसके प्रतिवाद का उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। और हे महापुरुष, क्या महर्षि याज्ञवल्क ने विदुषी गार्गी से या आत्मज्ञानी महाराज जनक ने तेजोमयी सुलभा से शास्त्रार्थ नहीं किया था? क्या स्त्री से शास्त्रार्थ करने पर भी वे यशस्वी नहीं माने जाते हैं? तब उभय भारती के युक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्रुति रूपी नदियों से पूर्ण समुद्र के समान आचार्य श्री सर्वज्ञ शंकर जी ने सरस्वती उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक शंकर और सरस्वती में वह शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ जिसमें बुद्धि की चतुरता से शब्द की झड़ी लग रही थी। इन दोनों के विचित्र पद विन्यास और युक्तियों से भरे कथन को सुनकर लोगों ने न तो शेषनाग को ही कुछ गिना, न सूर्य को, न बृहस्पति को, न शुक्राचार्य को। संसार में दूसरों की तो बात ही क्या है। संध्या वंदन आदि में निश्चित काल को छोड़कर न दिन में और न रात में ही यह शास्त्रार्थ रुका। इस प्रकार शास्त्रार्थ करते हुए इन दोनों विशिष्ट विद्वानों में 17 दिवस बीत गए। उनके मध्य जब सभी शास्त्रों के विवादों का निपटारा हो गया, तब उभय भारती ने अनादि सिद्ध समस्त वेदों और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता आचार्य शंकर को अज्ञेय समझकर अपने मन में यह विचार किया कि अत्यंत बाल्यावस्था में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण किया है और श्रेष्ठ नियमों से कभी हीन नहीं हुए हैं, अतः काम शास्त्र में इनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए मैं इसी शास्त्र के द्वारा इन्हें जीत लूंगी। ऐसा निश्चय कर उभय भारती ने आचार्य शंकर से प्रश्न किया कि काम की कलाएं कितनी हैं, उनका स्वरूप कैसा है, शरीर और शरीर के बाहर वे कलाएं किन किन स्थानों पर निवास करती हैं, स्त्री और पुरुष के कौन कौन से प्रमुख अंग कामदेव के निवास स्थल माने जाते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में उनकी स्थिति कहां कहां रहती है, युवती में तथा पुरुष में इन कलाओं का निवास किस प्रकार से होता है। इन प्रश्नों को सुनकर आचार्य शंकर धर्म संकट में पड़ गए। बहुत विचार करने पर भी वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उन कलाओं के विषय में कुछ ना कहूं तो अल्पज्ञ बनता हूं और यदि उत्तर देता हूं तो मेरे संन्यास धर्म का नाश होता है। अंततः उन्होंने कहा कि हे सौम्य, यद्यपि इस शरीर से भी कामशास्त्र का परिशीलन करने पर वह मेरे लिए दोषकृत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का परिपालन करने के लिए दूसरे के शरीर को प्राप्त कर अपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मुझे एक माह का समय दीजिए। विदुषी भारती ने आचार्य शंकर की उस बात को स्वीकार कर लिया। तब आचार्य शंकर हिमालय की तराई में गए और अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, यह देखो, यह सुंदर गुफा दिखाई दे रही है जिसके आगे एक समतल शिला पड़ी है। उसके निकट ही स्वच्छ जल वाली फल वाले वृक्षों से शोभित यह तराई शोभा दे रही है। आप लोग यहीं पर रहकर मेरे शरीर की सावधानी से रक्षा करें, जब तक मैं इस अमरूक राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर काम कला का अनुभव न कर लूं। अमरूक राजा वहीं बगल के राज्य का एक राजा था जिसकी मृत्यु उसी दिन हुई थी। इस प्रकार शिष्य वर्ग को समझाकर आचार्य पाद ने उस गुफा में अपने शरीर को छोड़कर केवल योग शरीर से राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश किया और लगभग एक माह तक राजा के शरीर में रहते हुए उन्होंने कामशास्त्र के सभी सिद्धांतों का अनुभव प्राप्त किया। और जब वे लौट कर पुनः भारती जी के पास आए तो भारती जी ने उनसे शास्त्रार्थ नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन्हें प्रणाम करके कहा
कि मुझे पता है कि आप हर तरह की विद्या में पारंगत हो चुके हैं। मेरा लक्ष्य बस इतना ही था कि एक ब्रह्मचारी को भी गृहस्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हुई। और उसके बाद मंडन मिश्र तथा उभय भारती दोनों ने आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और दोनों ने अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। तो दोस्तों, यह थी आचार्य शंकर की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।